أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In lecture number two of learning with Abhijit, we will shed lights on duties and responsibilities of a librarian. इस लेक्चर में लेक्चर नंबर टू में के लाइब्रेरियंस की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती, तो जो लोग लाइब्रेरी प्रोफेशन से या हमारी जर्नल कम्युनिटी जो कि रिसर्च के साथ उसका वास्ता और लाइब्रेरी को यूज कर रहे, तो इनके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। सो स्टे विद अस। और ये भी हम बताते जाएंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटीज क्या है, फंक्शंस क्या है। लाइब्रेरियंस आर रेगुलर पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। Strong libraries build strong students, and it is the librarian who actually manages the functions and services of the library. In an academic setup, students' performance improves significantly with high librarian collaborations. Librarian कौन लोग होते हैं जो कि library की मुख्तलिफ activities में interest लेते हैं? जो अच्छी librarian है वो स्टूडेंट्स को स्ट्रांग बना देता है इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। लाइब्रेरियन के जो फंक्शंस है या ड्यूटीज है या सर्विसेज है एकेडमिक सेटअप में, इनकी देखभाल स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, और इसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना है। और लाइब्रेरियन का अ मॉडर्न लाइब्रेरी में डील विद प्रोविजन ऑफ एक्विजिशन, maintenance and dissemination of information in many formats with books, e-books, serials, sound recordings, moving images, video recordings, manuscripts, cartographic materials, computer files, photographs and other graphic material, databases and digital resources. Inka kaam hai cheezon ko acquire karna aur इसको डिसिमिनेट करना मुख्तलिफ फॉर्मेट में, बुक्स की फॉर्मेट में, ई बुक्स की फॉर्मेट में, सीरियल्स, साउंड रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में, इमेजेस की फॉर्मेट में, वीडियो रिकॉर्डिंग्स की फॉर्मेट में, मैनुस्क्रिप्ट्स, कार्टोग्राफिक मटेरियल, मैप्स, कंप्यूटर फाइल्स को शेयर करना, फोटोग्राफ्स को या ग्राफिक्स मटेरियल्स को शेयर करना स्टूडेंट्स के साथ, डेटाबेस तक रसाई देना और डिजिटल रिसोर्सेज को डील करना, ये लाइब्रेरियन की ड्यूटी में आ जाता है। कलेक्शन डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन, इनकी एक जिम्मे काम ये है कि ये कलेक्शन को डेवलप करता है और एक्वायर करता है। सिलेक्शन एंड ऑर्डरिंग ऑफ रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ द लाइब्रेरी एंड इवाल्युएटिंग नीड्स ऑफ पैटर्न्स, receiving resources, paying invoices, managing acquisition of resources through purchase, subscription, license, gifts and donations, and weeding out unrequired items. Librarian ke aur umur mein se selection hai aur development policy ke tehat apni library collections ko badhana, evaluating needs of patron ko samajhna, receiving resources, इनके बिल अदा करना, एक्विजिशन रिसोर्स को मैनेज करना, सब्सक्रिप्शन देना, लाइसेंसिंग इंफॉर्मेशन देना, गिफ्ट्स रिसीव करना, डोनेशन रिसीव करना बुक की फॉर्म में या नॉन बुक मटेरियल फॉर्म में, और पुरानी किताबों को या पुराने मटेरियल को वीड आउट करना, कैटलॉगिंग एंड मेटा डेटा, descriptive cataloging, subject cataloging and authority control that will enable discovery of library resources online, providing metadata for digital resources. Librarian ki jo aham zimmedari hai wo hai ye ki cataloging aur metadata, metadata data about data, aap kisi books ki ya journals ke bare mein information feed kar rahe database mein to usko metadata kehlata hai. डिस्क्रिप्टिव कैटलाग बनाना, सब्जेक्ट कैटलाग बनाना, सब्जेक्ट वाइज की कितनी कलेक्शन है, अथॉरिटी कंट्रोल, डिस्कवरी ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज ऑनलाइन, कि लाइब्रेरी के अंदर कितनी रिसोर्सेज मौजूद है, प्रोवाइडिंग मेटा डेटा फॉर डिजिटल रिसोर्सेज, आपने कोई भी फाइल डिजिटल फॉर्मेट में फीड करना, उसकी
मेटा डेटा के अमूर को अंजाम देना, कलेक्शन मैनेजमेंट में स्टैम्पिंग द रिसोर्स इंडिकेटिंग द ओनरशिप ऑफ द लाइब्रेरी। जो जो आपकी कलेक्शन बढ़ती जा रही, तो लाइब्रेरियन का काम है कि स्टैम्पिंग करना कि ये लाइब्रेरी की प्रॉपर्टी है। टेस्टिंग ड्यू डेट स्लिप फॉर सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के लिए ड्यू डेट स्लिप आपने डालना कि कब से कब तक इशू करेंगे। एफिक्सिंग कॉल नंबर लेवल, कॉल नंबर लेवल जो है ना बुक्स पे लगाना, बारकोड लगाना, पुटिंग RFID टैग्स, प्रिजर्वेशन रिपेयर्स, बुक्स को प्रिजर्व करना, RFID टैग्स लगाना कि कोई इशू के बगैर बुक ना ले जाए। लाइब्रेरी सर्कुलेशंस, लोन फंक्शन ऑफ लेंडिंग लाइब्रेरी मटेरियल्स, लाइब्रेरी सर्कुलेशन इंक्लूड्स चेकिंग आउट लाइब्रेरी मटेरियल्स लाइब्रेरी यूजर्स, रिन्यूइंग द बोर्ड आइटम्स, रिजर्विंग चेक आउट आइटम्स फॉर द पैटर्न, चेकिंग इन मटेरियल्स रिटर्न, चेकिंग द मटेरियल्स फॉर डैमेज एट द टाइम ऑफ रिटर्न, इफ फाउंड डैमेज देन गिविंग दैट टू रिस्पॉन्सिबल स्टाफ फॉर रिपेयर, एंड व्हेन रिपेयर इज नॉट पॉसिबल देन रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल ऑफ मटेरियल्स, रिसीविंग पेमेंट ऑफ फाइन्स फॉर डैमेज एंड ओवरड्यू मटेरियल्स एंड पेमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन टू द लाइब्रेरी एंड अदर चार्जेस, मेंटेनिंग ऑर्डर इन द स्टैक्स बाय रीशेल्विंग द लाइब्रेरी मटेरियल्स बाय कॉल नंबर गिवन बाय क्लासिफिकेशन सिस्टम सच एज ए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, अ डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन और कोलन क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरियन का सर्कुलेशन से क्या के जो किताबें उधार दी उसको रिसीव करना, लाइब्रेरी मवाद को चेकिंग आउट करना, रिन्यूइंग करना, जो बोरोड आइटम किसी ने किए और दोबारा रिन्यू करना चाहते हैं, रिजर्विंग चेकआउट आइटम्स फॉर द पैटर्न, जो किताबें बाहर गई उसको रिजर्व करना, चेकिंग इन मटेरियल रिटर्न, जब भी कोई मटेरियल रिटर्न कर चाहे बुक शक्ल में या चाहे CD फॉर्मेट में या कोई भी फॉर्म में हो उसको चेक करना, चेकिंग द मटेरियल फॉर डैमेज एट टाइम ऑफ रिटर्न, जो चीज़ें डैमेज हो बुक है पड़ी हुई उसको चेक करना, और अगर डैमेज है तो उसको रिपेयर डिपार्टमेंट को देना, अगर रिपेयरिंग पॉसिबल ना हो तो उसको रिप्लेस करवाना। रिन्यूअल ऑफ मटेरियल से मुराद ये कि कोई बंदा बार बार रिन्यू करना चाहते तो उसको रिन्यूअल करना, रिसीविंग पेमेंट ऑफ फाइन्स, जो भी फाइन जो है ना सर्कुलेशन पे क्रिएट हो गई उसको और या जो डैमेज की गई उसकी फाइन को रिसीव करना, और दूसरे चार्जेस में के बुक को स्टैक यानी रीशेल्विंग करना बाय कॉल नंबर। मतलब आपको पता है कि लाइब्रेरी में जो बुक ऑर्गेनाइज करते वो कॉल नंबर से, तो कॉल नंबर मुख्तलिफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से लगाए जाते हैं। कोई लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन यूज करता है, कोई डीवे डेसिमल क्लासिफिकेशन यूज कर रहा है, इंडिया में कोलन क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल हो जाता है, साथ UDC मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन स्कीम्स है, इसके मुताबिक मटेरियल को ऑर्गेनाइज करना। डिजिटल रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग एक्सेस टू लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, लाइब्रेरियन का काम क्या है कि एक्सेस देना लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज को, डिजिटाइजिंग कलेक्शन फॉर ऑनलाइन एक्सेस एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज एंड डेटाबेसेस, इन केस कोई डेटाबेसेस नहीं चल रहे आपके लाइब्रेरी का उसको रिपेयर करना या मेंटेन करना, डेवलप सिस्टम टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डिजिटल कलेक्शन, आपके पास जो डिजिटल कलेक्शन है वो लाइसेंस याफ्ता जो आप ऑथराइज है उसको प्रेजेंट करना डिजिटल कलेक्शन की फॉर्म में, डेवलप सिस्टम्स टू डिस्कवर एंड हार्वेस्ट बॉर्न डिजिटल इंफॉर्मेशन। लाइब्रेरियन का और काम है जो लोग मतलब डिजिटल में कंटेंट्स प्रोड्यूस करते उसको जमा करना, डिराइविंग पॉपुलरिटी ऑफ डिजिटल आर्काइव्स, डिजिटल को आर्काइव करना डिजिटल कंटेंट्स को, वेब बेस्ड कंटेंट्स क्रिएशन, अपनी कैटलाग पे वेब बेस्ड कंटेंट्स डालना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज शिफ्टेड द वे कम्युनिटीज यूज लाइब्रेरीज इन द 21st सेंचुरी। अब आपको पता है चीजें जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ कन्वर्ट होती जा रही है 21st सेंचुरी में, एक्सेसिव रिलायंस ऑफ कंप्यूटर हैव मेड द रोल ऑफ लाइब्रेरी मोर रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट, जो मौजूदा टेक्नोलॉजी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इसने लाइब्रेरी को IT स्किल्स के साथ अब्रेस किया हुआ है। द ट्रेडिशनल लाइब्रेरियन वॉज अ कस्टोडियन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग एंड
caring for physical material, but today's librarian works also a digital custodian. पुराने जमाने में सिर्फ फिजिकल फॉर्मेट में जो बुक आ जाती है उसके कस्टोडियन होते थे, आजकल जो डिजिटल बॉन्ड चीजें आ जाती है उसकी भी कस्टोडियन और उसकी हिफाजत करना, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज फिजिकल मटेरियल्स। लाइब्रेरियन का काम है एक्सेस देना इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल हो चाहे फिजिकल मटेरियल हो, मेंटेनिंग स्पेशलाइज नॉलेज और डिजिटल डेटा बेसिस। जितनी डिजिटल डेटा बेसिस है इनकी मेंटेनेंस करना एंड इवाल्वेटिंग इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल एंड एक्वायरिंग लाइसेंस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है इसकी लाइसेंस खरीदना बगैर किसी कॉपीराइट केस के साथ लोगों को शेयर करना, ये लाइब्रेरियन की जिम्मेदारियों में नहीं आता क्योंकि कॉपीराइट एक्ट चलता है। आउटरीच सर्विसेज में क्या डेवलप प्रोग्राम एंड एग्जीबिशन दैट हाईलाइट लाइब्रेरी कलेक्शंस, ऐसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना से लाइब्रेरियन कलेक्शंस को लोग जो ना मतलब उसके तवज्जो को मफजूल कराना, वर्क विद डाइवर्स यूजर कम्युनिटीज, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों की कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करना, कोऑर्डिनेटिंग प्रोग्राम सच ए स्टोरी टेलिंग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कहानियों का जो है ना एहतमाम करना, इंफॉर्मेशन लिटरेसी और हेल्थ इंफॉर्मेशन रीडिंग क्लब्स, इंफॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना और रीडिंग क्लब्स ऑर्गेनाइज करना, बुक टॉक, बुक पे कोई डिस्कशन हो रही है उसका ऑर्गेनाइज करना। द ट्रेडिशनल लाइब्रेरियन वॉज अ पीयर ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के तौर पे रोल अदा करना, मेंटेनिंग कनेक्शंस विद कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन एंड अदर लाइब्रेरीज, कनेक्शन दूसरी कम्युनिटी लाइब्रेरी के साथ बनाना। टूडेज लाइब्रेरियन इज अ डिजिटल पीयर ऑफिसर, आज के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के या 21st सेंचुरी के लाइब्रेरियन है वो पर्सनल रिलेशन ऑफिसर भी कहलाते हैं, डेवलपिंग रिलेशनशिप विद डेटाबेस मैनेजर, जिससे आपने डेटाबेस खरीदी उसी के साथ जो है ना कोऑर्डिनेशन करना, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशर्स के साथ रابطे में रहना, होस्टिंग कम्युनिटी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, पार्टनरिंग विद अदर लाइब्रेरीज टू इंक्रीज एक्सेस टू मटीरियल, आपके पास कलेक्शन कम हो तो दूसरी लाइब्रेरी के साथ रابطे रखना, पर्सनल मैनेजमेंट, लीडिंग ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजिंग लाइब्रेरी स्टाफ। लाइब्रेरियन का जो काम है वो एज ए मैनेजर भी है, लीड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, स्टाफ को सुपरवाइजर करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। लाइब्रेरी प्लानिंग में प्लानिंग अ न्यू लाइब्रेरी और प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विसेज ऑफ एन एस्टेब्लिश लाइब्रेरी, दूसरी लाइब्रेरी के साथ कोऑर्डिनेशन करना, इनकी सर्विसेज को सर्विसेज में एक्सचेंज करना, रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज में मेकिंग रीडिंग सजेशन एंड रिकमेंडेशन लाइब्रेरी पैटर्न्स। रेफरेंस लाइब्रेरियन का काम क्या है कि जो भी पैटर्न यानी कस्टमर आ जाते हैं उनको नई नई रीडिंग सजेस्ट करना, आंसरिंग क्वेश्चन बाय द यूजर्स इन पर्सन, जो भी क्वेश्चन यूजर पूछते हैं या पैटर्न पूछते हैं उसी का जवाब देना ऑन द फोन या फोन के जरिए, बाय ईमेल या ईमेल के जरिए, ऑनलाइन चैट या ऑनलाइन चैट के जरिए, या टेक्स्ट मैसेजेस पे जवाब देना, एंड ऑन सोशल मीडिया सच एज थ्रू अ फेसबुक पेज, फेसबुक पे कोई क्वेरी पूछ ले उसका जवाब देना, ये रेफरेंस लाइब्रेरियन का काम है। गोइंग थ्रू टू मेनी रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू पिक अप द मोस्ट वैल्यूएबल वंस एंड वन ऑफ द स्किल्स द पैटर्न्स कुड लर्न विद द हेल्प ऑफ अ लाइब्रेरियन, बहुत सारी कलेक्शन में अपने वो मवाद निकालना जो आपसे मोस्ट रिलेवेंट हो। लाइब्रेरियन असिस्ट पैटर्न विद रिसर्च एंड लोकेटिंग लाइब्रेरी मटीरियल, पैटर्न्स के साथ हेल्प करना जो उनको डिजायर्ड मटीरियल्स को निकालना ऑन साइट एंड स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, चाहे वो फिजिकल फॉर्मेट में मौजूद हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मौजूद हो उसको हेल्प कराना। इंस्ट्रक्शन सर्विसेज में क्या आती है, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग एन इफेक्टिव डिस्कवरी एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइब्रेरियन का काम क्या है कि इंस्ट्रक्शन सर्विसेज देना है कि हाउ टू डिस्कवर योर इंफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ द इंटरनेट, व्हाट वी मोस्टली स्ट्रगल विद इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जैसे कि इंटरनेट के जमाने में इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज्यादा आई हुई, नॉट अ लैक ऑफ इट, केस की कमी नहीं है। टुडे स्टूडेंट्स आर टेक सावी बट दे डोंट नो हाउ टू फाइंड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड दे नीड इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस, लाइब्रेरियन का काम उसको इंस्ट्रक्शन देना कि अपनी पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन को कैसे एक्वायर करना, क्रिएटिंग गाइड्स, गाइड्स बनाना, ट्यूटोरियल प्रेजेंट करना, हैंड्स आउट देना, इफेक्टिव यूज ऑफ लाइब्रेरी मटीरियल्स। द ट्रेडिशनल लाइब्रेरियन वाज अ गाइड असिस्टिंग यूजर्स इन फाइंडिंग रिलेवेंट मटीरियल्स,
पुराने जमाने में जो है ना लोग रिलेवेंट मटेरियल ढूंढते थे तो फिजिकली आ जाते थे। टुडेज लाइब्रेरी इज अ डिजिटल गाइड। आजकल जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरियन है, वो डिजिटल सर्विसेज भी दे रहे हैं और उसको गाइड भी करते हैं, एजुकेटिंग पैटर्न्स अबाउट द यूज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी सर्विसेज एंड जनरलाइज डिजिटल लिटरेसी, और पेरेंट को एजुकेट भी करते हैं डिजिटल लिटरेसी के हवाले से, प्रोवाइडिंग वर्चुअल सर्विसेज टू यूजर्स, जो लोग नहीं आ सकते उसको सर्विसेज प्रोवाइड करना ऑफन थ्रू लाइब्रेरी वेबसाइट। आजकल चैट बॉट आया हुआ है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उस पर इसकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करना, और ड्यूटी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजिंग फाइनेंस एस्पेक्ट्स एंड लोकेशन ऑफ बजट्स। लाइब्रेरियन का काम है जो भी बजट लाइब्रेरी के लिए स्पेयर की गई है उसको मेंटेन करना, उसको एलोकेट करना, प्लानिंग फंड रेजिंग फॉर द लाइब्रेरी, जो मॉडर्न लाइब्रेरी फंड रेजिंग भी करती है, तो उस मुहिम को चलाना, कीपिंग अप टू डेट विद मॉडर्न लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न लाइब्रेरी के साथ अपने आप को मरबूत करना। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड डेट 75% ऑफ ऑल द लाइब्रेरीज आर बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 55। एक सर्वे के मुताबिक 75% लाइब्रेरियन 25 साल से 55 साल के दरमियानी उम्र में होते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज आर ऑन पॉजिटिव साइड एज लार्ज नंबर ऑफ ट्रेन लाइब्रेरीज विल बी एक्वायर्ड टू फिल द पोजिशन। बहुत ज़्यादा इसी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है और बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है। लाइब्रेरियन को ट्रेन करना, लाइब्रेरियंस आर टीचर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स, इनोवेटर्स, कोलाबोरेटर्स, लीडर्स एंड लर्नर्स। हत्ता कि एक लाइब्रेरियन टीचर भी होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर भी होते हैं, इनोवेटर्स होते हैं, नए नए आइडियाज प्रेजेंट करते हैं, कोलाबोरेटर्स होते हैं, कोलाबोरेशन करते हैं, लीडर्स होते हैं, स्टाफ को लीड करते हैं, लर्नर्स, और खुद सीखता भी होता है, सीखते रहते हैं। मुझे उम्मीद है लाइब्रेरियन को ड्यूटीज ऑफ लाइब्रेरियंस के लेक्चर पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर देखने के लिए इस सीरीज को फॉलो करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।